सो गाइज मैं अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं गिटार प्ले कर रहा था क्योंकि मौसम जो था ना बहुत अच्छा हो रहा था और ये हमारे झंडे लगे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद आने वाला है और ये हमारे सारे पौधे हैं, इनको पानी वगैरह भी मैंने कल दिया था। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें शाबेज खान को और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। पीछे हमारे जो डक्स वगैरह भी बोल रही हैं तो इनको खोलते हैं और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों आपको दिखाता हूँ, हमारी शेडी जो है ना अंदर ही रहती है और ये बाहर नहीं निकलती है, ठीक है? तो हो सकता है कि हो जाए कोई चांस, मुझे लग रहा है बन रहा है अभी इनके लिए जो है ना कल पराली ला कर रखेंगे। वो हमारा शेडी बैठा है, वो इनको खाना वगैरह देते हैं। ये तुम क्या हिले जा रहे हो बार बार, तुम क्या हिले जा रहे हो? हाँ वो बैठा हुआ है। खैर इनको जो है ना हम कभी खाना वगैरह देते हैं, इनको भी निकालते हैं भाई। और आज का ब्लॉग जो है ना बहुत स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, टाइटल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो क्या कहते हैं ना, इनको मैं सबसे पहले खाना देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों बाजरा पकड़ा हुआ था इनके लिए, ले आए हैं। और क्या कहते हैं शराज जो है इनका चूजे भी ले आए। वालेकुम सलाम। ये नीचे रख दिए थे हमने दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ऊपर धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो खोल दो। शाम को इनको नीचे ले जाते हैं, दोपहर सुबह को और शाम को ऊपर ले जाते हैं। ये नहीं कहीं जाते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, छोटी सी इनके लिए रखी हुई है कुजी में। इसके अंदर ना वो जो न्याज होती है ना वो आई थी हमें। और क्या कहते हैं, फिर हमने ये ऐसी पड़ी हुई थी तो सोचा क्योंकि उन्हें इनका मुनाफा इनका फायदा हो जाए तो इसके अंदर इनको पानी वगैरह दिया था। बहुत जो है मैंने भर के पानी दिया था, देखो को इतना सारा पिया। ओ तेरी खैर, ये तो कीचड़ बनी पड़ी है। ये ऐसा करो उधर जाके उल्टा दो जाके इसको धोते हैं। खैर दोस्तों इनको खाना वगैरह देते हैं और नीचे पीछे पौधों को भी पानी वगैरह देते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो यार अब भाईजान जो है वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं और तब तक हमें इसको भी साफ़ करते हैं यार, इसको लेके जाते हैं और इसको जल्दी से साफ़ करते हैं यार। ये हमें डायरेक्ट टैंकी से पानी निकालना पड़ रहा है, ये तो बहुत नीचे पानी है। अच्छा, क्योंकि इस टूटी में इतना पानी आता नहीं है, पता नहीं क्यों। जल्दी से पानी निकालते हैं और उसके बाद फिर देन आपसे मिलते हैं। दोस्तों पानी भर लिया था मैंने और इनका जो है ना ये धोना है, बहुत गंदा हो रहा है। तो शराज जो है वो धोएगा इनका, धो लो उसको, धो लो। और हम ऐसी छोड़ कर आए हैं सिर्फ इनके लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जब तक शराज धो लेता है। नीचे से ताला बहुत है तो क्या हाँ कपड़ा गर्म मार लिया ऊपर नहीं, ऐसे ही डाल दो ना पानी यार, ऐसे पानी डाल दो मल दो, उसके बाद अपने हाथ भी धो लेना बाद में, जब तक हम दोस्तों अपने पैट्स वगैरह को खोलते हैं। यार यहाँ पे हमने रोटियाँ भिगो दी हुई हैं डक्स के लिए और दूसरी तरफ बीजान पानी मारने लगे हैं, क्योंकि यार ये सारा पानी मारना पड़ता है ताकि ये हरे भरे हो जाएं। और उसके बाद फिर आप अपनी डक्स वगैरह खोलेंगे और रैबिट्स को खोलेंगे। और ये आपको दिखाता हूँ पानी मारते हुए, मारो ये देखो जी पानी। शराब ने डक्स खोल दी है, कैसे भाग के पानी की तरफ आ रही हैं। शराब उनको भी खोल दो, वो शेडी मेडी को भी खोल दो। इनके लिए बाजरा देखते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो हमने उनको ना हैंड टेम कर दिया हुआ है इनको, मैं रोटी अगर हाथ से डालूँ ना तो खाती हैं, इनमें से एक ये वाली और दूसरी दो ऑस्ट्रेलियन। ये जो वाइट वाली है ना ये हैंड टेम नहीं अभी तक कोई। और चूज़े को भी हम चूज़ों को भी हैंड टेम कर देंगे, ये अभी छोटे चूज़े हैं अभी हमसे डर रहे हैं, ठीक है ना? शराज क्या ख्याल है, हैं? मैंने कहा वो जो हैंड टेम है, जो डक्स हमारी हैंड टेम है, वो डक्स जो हैंड टेम है, चूजों को भी हैंड टेम कर देंगे। चूजों को भी हैंड टेम कर, अभी आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बाजरा अपने हाथों से खिलाऊंगा, देखना हैंड टेम। हैंड टेम वो थी जो अपने हाथों से चीज खा ले, जो कुछ कहे भी ना, जो डरे भी ना। ये देखो ये बाजरा है, ये बाजरा इनको खिलाऊंगा देना ये, और ये बड़े शौक से खाएंगे मेरे पास आके। आ जाओ खा रही। ये तो बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे साथ जो है ना मिल चुकी है, रलती हुई हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। ये वाली नहीं खाती, ये डरती है हमसे, ये जो वाइट वाली देखो भाग रही है, ये नहीं खाती है। बकाया चूजे खा लेंगे। ऐसा आपने देखा हमने अपने जो डक्स वगैरह को वो हैंड टेम कर लिया, भाई ये हमारे साथ हैंड टेम हो चुकी हुई है। पता नहीं अभी बच्चे कब देंगे अंडे, कब देंगे अंडे, इन्होंने अभी तक नहीं दिए। वैसे मैंने चेक भी नहीं किया, कल चेक करेंगे इनके खुडे के अंदर, हो सकता है इन्होंने अंडा वगैरह दे दिया हो कोई, तो ले लेंगे अंडा इनसे। और ये हमारा चूज़ा है, ठीक है, वो हमारे चूज़े हैं। और वो शेडी मेडी खोल ली है,
उनको भी खोल दो शैडी मैडी को, खोल दिया वो अंदर, देखा वो अंदर बैठी हुई, मैंने आपसे कहा था माती अंदर बैठी रहती है, वो एक पीछे वो छुपा वो हो रहा। तो इनको भी खाना दे देते हैं, बाजरा दे देते हैं, बाजरा शौक से खाते हैं। ये वाला बाजरा जो है ना थोड़ा सा ही बचा है, ये इनको दे देते हैं और थोड़ी सी इनको रोटी भी डाल देंगे। आज इनको पालक नहीं देते हैं हम, पालक इनको दे दी हुई थी कल हमने, तो मैं इनको खाना देता हूँ फिर मिलते हैं आपसे। और ये पीछे हमारे रैबिट्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक ये बैठा हुआ है पर एक वो सामने है, कहाँ चला गया वो, अंदर चला गया शायद। और इसमें बीजा ने खाना वगैरह डाल दिया इनको, ठीक है बाजरा सामने डाल दिया, लेकिन पानी नहीं डाला, पानी डालते हैं अभी। पता नहीं यार क्यों ये अभी ना अब तक बच्चे नहीं दिए इन्होंने, आप बताएं कुट्टी अगर आपके पास हैं तो। बहुत ज़्यादा हो रही है इनको खाना वगैरह दिया है, एक तो ये बहुत है गर्मी के अंदर जो इनको खाना वगैरह देना होता है ना, खुद भी गर्मी में आके हवा तो चल रही है, झंडे दिखाओ, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है ना, लेकिन गर्मी का नामो निशान मतलब सर्दी वो तो है ही नहीं है, हवा भी ऐसी है। अभी देखा आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में रहती है, ये देखें ये बड़े आराम से रहती है। वही ये माशाल्लाह हेल्दी हो गई है यार, पहले से शराज पहले से हेल्दी हो चुकी है, इतना खिलाना तो हेल्दी होना है इसमें। तस्वीर ले लो एक, ले ली, इसको छोड़ देते हैं, ये देखें माशाल्लाह। तुम्हारे वो वाली नहीं पकड़ी जाती जो वाइट वाली है ना, वो भागती है, ये देखना इसको छोड़ती है, ये देख ये भागती है। अच्छा वो मुझे चार गमले दिख रहे हैं, वो मैंने यहाँ ला के रखे थे, चाचू ने रख दिए होंगे वहाँ पे, तो इन गमलों को भी यहाँ ला के रखते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ चीज़ें ले आए हैं तो यहाँ पे एक लाइन जो है गमलों की पहले लगाएं, उसके बाद बाकी जो चीज़ें लानी होंगी वो लाएंगे, थोड़ी हरियाली टाइप सी करें ताकि जानवरों को भी अच्छा लगे हरियाली में रहें। और इनके ना मैं मिट्टी वगैरह अंदर डाल दूंगा ताकि इनको ठंडक मिलती रहे, क्योंकि गर्मी जितनी है ये मर ना जाएं, ठीक है। इनका पानी वगैरह तो मैं डेली रख देता हूँ, इनको नीचे ले जाता हूँ, अभी मैं इनको नीचे ले जाऊँगा। उससे मैंने कहा था अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें बना रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं भी डिग्रेड हो जाऊँगा, जाहिर सी बात है, और मायूसी तो गुनाह है, शिरक है। तो फिलहाल जो है हमने अपने डक्स वगैरह को सबको जो है पेट्स वगैरह को खाना दे दिया है, हमारी माशाल्लाह हैंड टेम हो चुकी हुई है, जो चीज़ लाएंगे उसको हम हैंड टेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ताला असील मुर्गा या मुर्गी भी लेकर आएंगे, या देसी मुर्गा मुर्गियाँ वगैरह लेकर आएंगे जिनको हम बंद कर देंगे उस खुड्डे के अंदर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का व्लॉग तो यही था और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा व्लॉग लगा होगा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज़ लानी चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।